सिस्टम में 40,000 के अंदर जो बेस्ट फोन है वो है OnePlus 6। लेकिन आज हम बात करने वाले OnePlus 6T के बारे में, क्योंकि सीधी बात है 5 महीनों में तो लॉन्च ही होने वाला है। और इस वीडियो में मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस और कुछ प्रेडिक्शन, क्या आपको OnePlus 6T के अंदर क्या क्या मिल सकता है, क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं अटर ऐप। और इस ऐप में एक AI बॉट दिया गया है जिससे चैट करके आप इंग्लिश को लर्न कर सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश की रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को, लिसनिंग स्किल को, स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उन्हें आप डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी हिंदी और या फिर कोई दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में। और इंग्लिश के वर्ड्स के साथ इसका जो AI बॉट है वो आपकी हेल्प करेगा इंग्लिश के सेंटेंसेस को अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने में। और इस ऐप का यूज करके आप थोड़ी प्रोफेशनल लेवल की भी इंग्लिश को सीख सकते हैं, जैसे कि आप अपनी इंटरव्यू स्किल्स को, ग्रुप डिस्कशन की स्किल्स को और रेज्यूमे की स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस ऐप के डाउनलोड का, तो अटर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि टी का मतलब होता है कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन, यानी कि सिमिलर डिजाइन में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस। जैसे कि जब OnePlus 3T आया था तो उसके अंदर आपको एक 10% बड़ी बैटरी मिलती थी 3300mAh की, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा बढ़ के हो गया था 16 मेगापिक्सल का, और स्नैपड्रैगन 821 आ गया था, और बाकी सारी चीजें सेम थी। ऐसा ही कुछ OnePlus 5T के साथ भी हुआ, क्योंकि उसके अंदर मिला था आपको 18:9 का डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले के डिजाइन में चेंज कर दिया, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर था वो पीछे पहुंच गया, और जो थोड़ा बहुत पीछे के कैमरा में जो चेंजेस कर दिए गए, जैसे कि जो 20 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस लगाया गया था OnePlus 5 में, उसको हटा के कर दिया गया एक डेप्थ सेंसर और एक लो लाइट के लिए, तो थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए होंगे। और अगर हम इसी ट्रेंड से ही चले तो OnePlus 6T में भी आपको एग्जैक्ट सेम डिजाइन मिलेगा जैसा आपको OnePlus 6 में देखने को मिलता था। जैसा आपको OnePlus 6 में ग्लास बैक देखने को मिला था ना, ठीक वैसा ही कुछ आपको OnePlus 6T में देखने को मिलेगा। लेकिन OnePlus 6 में आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिली थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि OnePlus 6T में वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि वायरलेस चार्जिंग OnePlus 6T के अंदर डाल दे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो वायरलेस चार्जिंग के जो करंट स्टैंडर्ड्स है ना वो काफी स्लो है, और ऑलरेडी उनकी जो डैश चार्जिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डैश चार्जिंग है ना वो काफी ज्यादा फास्ट होती है वायरलेस चार्जिंग से। और वायरलेस चार्जिंग आपके फोन को टॉप अप करने जैसा है कि थोड़ा बहुत चार्ज उसे दे दो, लेकिन आपके फोन को वो फुल चार्ज ज्यादा एफिशिएंटली नहीं कर पाती है। और वैसे भी अगर 60 में वायरलेस चार्जिंग आ भी गई तो भी आपको अलग से ही वायरलेस चार्जिंग का अडैप्टर लेना पड़ेगा, तो वायरलेस चार्जिंग की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो OnePlus 6 है वो वाटर रेसिस्टेंट फोन है, लेकिन उसके अंदर कोई भी IP रेटिंग यानी कि जो IP सर्टिफिकेशन होता है वो नहीं दिया गया, जैसे कि IP67 जैसा आपको सैमसंग और एप्पल के आईफोन्स में देखने को मिलता है। तो क्या OnePlus 6T में ऐसा हो सकता है? जी हां, OnePlus 6T में ऐसा हो सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो OnePlus 6 है वो ऑलरेडी वाटर रेसिस्टेंट है और अंदर से अच्छे तरीके से सील है, लेकिन उसको IP सर्टिफिकेशन शायद इसलिए दिया नहीं गया क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए कुछ पैसे देने होते, कुछ रॉयल्टी देनी होती है जो पर फोन के हिसाब से जाती है। अब ऐसा ना करना पड़े OnePlus को थोड़े से पैसे बचाने के लिए OnePlus ने उस IP सर्टिफिकेशन नहीं दिया, तो शायद 60 के साथ ऐसा कर दे, तो IP रेटिंग आपको OnePlus 60 के साथ देखने को मिल सकती है। और OnePlus 60 में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे, तो स्टीरियो स्पीकर्स अभी तो है नहीं OnePlus में, यानी कि नीचे की तरफ बॉटम फायरिंग स्पीकर ही है, लेकिन ईयर पीस को भी एज एन स्पीकर यूज करके इसकी साउंड क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, तो आपको स्टीरियो स्पीकर शायद OnePlus 60 में मिल सकते हैं। और एक और चीज जो मुझे लग रही है वो हो सकता है इंप्रूवमेंट OnePlus 60 के फ्रंट कैमरा में, क्योंकि OnePlus इसका कैमरा अच्छा है लेकिन अभी उसके अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो शायद 16 मेगापिक्सल का सेंसर चेंज करके 20 मेगापिक्सल कर दें या फिर 12 मेगापिक्सल कर दें। इसका मतलब यह कि सेल्फी के कैमरा के अंदर आपको थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, तो वो देखने वाला होगा जब ये फोन रिलीज होगा। और अगर हम कैमरास की बात कर ही रहे हैं तो रियर कैमरा यानी कि पीछे की तरफ भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल जो OnePlus 6 है ना उसके अंदर केवल 16 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, और 20 मेगापिक्सल का केवल डेप्थ इंफॉर्मेशन और ऑटो फोकस के काम में आता है और किसी काम में आता नहीं है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि हमें इंप्लीमेंटेशन चेंज कर दिया जाए OnePlus 60 के अंदर। और ऐसा भी हो सकता है कि सेंसर को भी चेंज कर दिया जाए जैसे जो OnePlus 60 के अंदर आ रहा है। अब शायद OnePlus ऐसा इसलिए करे क्योंकि आने वाले समय में सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 भी आने वाला है और गूगल का पिक्सल 3 भी आने वाला है, और उनके कैमरास डेफिनेटली OnePlus 6 के कैमरा से बेटर होने वाले हैं, तो OnePlus 60 को मार्केट में कैमरा के साथ कंपटीशन में बनाने के लिए शायद OnePlus ऐसा कर दे कि 60 का कैमरा काफी अच्छा हो जाए जैसा अभी है, यानी कि हार्डवेयर में आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें नए प्रोसेसर की तो OnePlus 6 अभी स्नैपड्रैगन 845 पे चलता है, और जो क्वालकॉम अगर कोई नई चिप रिलीज कर दे जैसे कि स्नैपड्रैगन 846 तो शायद वो इस पे आ सकता है, लेकिन अगर क्वालकॉम को स्नैपड्रैगन 846 रिलीज कर देनी होती तो उसकी न्यूज अभी तक आ चुकी होती, और हाल फिलहाल उन्होंने अपनी नई चिप स्नैपड्रैगन 850 रिलीज की है। लेकिन स्नैपड्रैगन 850 जो है वो विंडोज के जो लैपटॉप्स होते हैं उसके लिए बनाई गई है, ना कि मोबाइल फोन्स के लिए, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि नई स्नैपड्रैगन की चिप देखने को मिले। आपको क्वालकॉम की लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 845 जो मोबाइल्स के लिए है वो ही देखने को मिलेगी OnePlus 60 में। और अगर बैटरी की बात करें तो अभी बैटरी बहुत ही अच्छी है OnePlus 6 की, इसमें शायद कोई चेंज ना हो, लेकिन अगर OnePlus को चेंज करना हुआ तो शायद थोड़ी सी बड़ी बैटरी डाल सकते क्योंकि आने वाले समय में सैमसंग गैलेक्सी नोट 9
9 आने वाला है, नया आईफोन आने वाला है, पिक्सल आने वाले हैं, तो शायद अपनी बैटरी को थोड़ा सा बढ़ा कर भी सकते हैं। और रही बात सबसे बड़ी चीज की, वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर, यानी कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग जो टेक्नोलॉजी है ना, वो काफी ज्यादा नहीं है। अभी वीवो के नए फोन के अंदर आती है और आने वाले समय में शाओमी के फोन के अंदर भी आएगी, लेकिन OnePlus शायद 6T के अंदर उसे इतनी जल्दी नहीं डालेगा। एक्चुअली में OnePlus ऐसे काम करता है कि वो वेट करता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, दूसरे जो मार्केट है उसे अडेप्ट करने लगे। इसका मतलब ये है कि जब तक किसी प्रीमियम फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती, तब तक OnePlus अपने फोन के अंदर नहीं डालेगा। तो सीधी बात है कि नोट 9 और जो आईफोन आने वाले उसके अंदर तो मिलेगी नहीं, लेकिन अगले साल जो सैमसंग गैलेक्सी S10 आने वाला है ना, उसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी मिल सकती है। तो हो सकता है कि अगले साल OnePlus 7 में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मिल जाए, लेकिन 60 के साथ इसकी मुझे उम्मीद कम लगती है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें प्राइस काफी एग्रेसिव रखना है, क्योंकि अभी OnePlus 6 जो है वो 35,000 से चालू होता है, और जब OnePlus 6T आएगा ना, तो उसकी प्राइसिंग भी एग्जैक्ट सेम रखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी वो बिक पाएगा, यानी कि 35,000 और 35,000 की प्राइसिंग भी उन्हें बना के रखनी है, तो शायद अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनिंग की टेक्नोलॉजी ना मिले। और जब OnePlus 6T आएगा तो उसके कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले सीधी बात है OnePlus 6 जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, और या इसका मतलब सीधी बात है डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो जो ओवरऑल जो OnePlus 6T होगा ना, एक माइनर अपग्रेड होगा, और शायद आपको OnePlus 6T के अंदर डार्क यानी कि ब्लैक कलर के वॉलपेपर्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करूं जो शायद ही हो सकती है, मतलब ऐसा नामुमकिन है ऐसा हो पाना, लेकिन तब भी हम सोच सकते हैं कि शायद आपको 6T के अंदर कोई 12GB रैम वाला वेरिएंट भी मिल जाए जिसके अंदर 512GB की स्टोरेज हो। ऐसा होना एक्चुअली बहुत ही मुश्किल है, लेकिन शायद कोई स्पेशल वर्जन भी आ जाए, अभी नहीं आए लेकिन शायद किसी फ्यूचर में किसी OnePlus के फोन्स के साथ आ जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ मेरी प्रेडिक्शंस और एक्सपेक्टेशंस जो OnePlus 6T के साथ है, और आप लोग क्या सोचते हो कि क्या आना चाहिए OnePlus 6T में, ये बातें सारी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।